सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छे से पहाड़ा लिखने की एक विधि बताने जा रहे हैं, जो आपके बच्चों को बहुत ही अधिक पसंद आएगी। और इतनी आसान विधि है, अगर बच्चे 100 तक गिनती लिखना जानते हैं तो वो बिना किसी से कुछ पूछे बिल्कुल बिल्कुल सही 10 तक पहाड़े आसानी से लिख सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर बच्चे इसको पसंद करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख करके कि हाँ, बच्चों को कितना पसंद आया और कितनी आसान विधि है। आप 10 से अधिक के भी पहाड़े लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 का ही पहाड़ा लिख सकते हो, 11-12 जितने भी आप पहाड़े चाहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कठिन होता जाएगा प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम आपके अपने बच्चों को पहाड़ा सिखाने से पहले क्या करते हैं, किन्हीं भी दो अट्रैक्टिव वस्तुओं को चयन कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, दो आकर्षित वस्तुएं रख ली यहाँ पर। जैसे यहाँ पर चित्र में आपको दो सेब दिखाई दे रहे हैं, आपने एक सेब को गोला बना दिया, आपने एक सेब के ऊपर गोला बना दिया और ये आपका चिन्ह बन गया। अब आपके पास दो सेब हो गए और बच्चे आपके, आशा करता हूँ कि आपके बच्चे आसानी से 100 तक गिनती लिख लेते होंगे। तो आपको करना क्या है कि बच्चों से गिनती ही गिनवानी है। तो देखिए, हम पहले बच्चों से क्या करते हैं, पहाड़ा गिनवाना शुरू करते हैं, गिनती गिनवाना शुरू करते हैं। तो हम पहले कहते हैं बच्चों, ये कितने सेब हैं, दो सेब। तो बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर दो लिख दिया। अब आपने क्या कहा, दो के बाद फिर से गिनिए, 3-4। तो आपने, आप पहले काउंटिंग करेंगे बिना वाले, बिना चिन्ह वाले को, फिर चिन्ह वाले को। जब चिन्ह वाले पे आएंगे आप, वहीं स्टॉप हो जाएंगे, 3 और 4। आपने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 के बाद अगला 5, 6, इन्हीं सेब को आप बार बार गिनने के लिए बोलेंगे। तो जैसे आपका चिन्हित वाले पर नंबर आ गया 6, तो आपको 6 लिखवाना है। फिर आपने 7, 8 लिखवा दिया। आपने फिर क्या किया, 9, 10, चिन्हित वाले पर जो गिनती आएगी वही आप लिखवाते जाएंगे। तो ये आपका हो गया 10। 10 के बाद 11 और 12, ये आपका 12 हो गया। फिर 12 के बाद 13 और 14, तो ये 14 आ गया। 14 के बाद 15 और 16 लिख दिया आपने। 17, फिर 18, ये आपने 18 लिखवा दिया। और अंत में आपका आएगा 20। और बता दीजिए, 20 लिखने पर 2 का पहाड़ा पूरा हो गया। अब अगला काम क्या करना है, इन्हीं सेबों की संख्या आपको बढ़ा देनी है। क्या करना है, सेबों की संख्या आपको बढ़ा देनी है। अब 3 का पहाड़ा, अब यहाँ पर हमारे 3 सेब हो जाते हैं। अब हमें पहाड़ा 3 का लिखना है, तो हमने क्या किया, 3 सेब हो गए। अब बच्चों से फिर वही प्रक्रिया दोहराने के लिए कहेंगे, तो हम पहले इन सेबों को गिनते हैं, 1, 2, 3, कितने सेब हैं, 3। आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 के बाद अगला क्रम, जहाँ क्रम जहाँ रखना है, जहाँ पर ये आपका 3 पूरा हो गया छोड़ दिया। अब 4, 5, 6, तो यानी कि गोला वाला जो सेब है उस पर आपका 6 नंबर आ रहा है, तो आपने कहा 6 लिख दो। 6 के बाद फिर अगली गिनती स्टार्ट करो, 7, 8, 9, ये आपका 9 हो गया। अगला 10, 11, 12, यहाँ पर आपका 12 आ गया। 13, 14, 15, अब 15 आ गया आपका इस तरह से। फिर 16, 17, 18, मैं आप समझता हूँ अब आप भी समझ गए होंगे क्या करना होगा हमें, कि जितने भी सेब हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें एक वस्तु को चिन्हित कर लीजिएगा, और चिन्हित वाली वस्तु पर जो भी गिनती आएगी आपकी, आप वही गिनती यहाँ पर नोट करते जाएंगे। 18 के बाद क्या करना है, 19, 20, 21, ये आपका आ गया 21। 21 के बाद 22, 23, 24, और आसानी से बच्चे आपकी गिनती लिखना जानते ही हैं, 25, 26, 27 और 28, 29, 30। अब उनको बता दीजिए, जैसे 3 का 2 30 हो गया, तो ये आपका 3 का पहाड़ा हो गया। अब इसी प्रकार से ऐसे ही आपको अलग कर दें, अलग अलग दिखने लगेगा। हमें यहाँ पर 4 का पहाड़ा लिखवाना है, तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान देनी है। प्रोसीजर क्या था, कोई भी, मैंने जैसे यहाँ पर सेब लिया है, आप कुछ और भी वस्तुएं ले सकते हैं जो बच्चों को पसंद आती हों, आप उनसे वही वस्तुएं गिना सकते हैं। बड़े बच्चे हैं, आप फिंगर से भी काउंटिंग करा सकते हैं, अगर आपको चिन्ह नहीं बनाना है। कॉपी पर अगर आपको वर्क करना है, नोट वर्क पे लिखवाना है नोटबुक पे, तो आप क्लास में भी करा सकते हैं, घर पे अपने बच्चों से लिखवा सकते हैं और फिर उनको पढ़वा सकते हैं। पढ़िएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12,
तीन पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 9 30। अब करना क्या है आपको, 4 का पाना लिखना है। तो यही प्रोसीजर आपको समझना होगा। अब आप फिर यहाँ पर वस्तुएँ बढ़ा दीजिए, वस्तुओं की संख्या कितनी करनी है आपको, 4। अब आपके पास कितनी वस्तुएँ हो गई, 4। हमें 4 का ही पाना लिखवाना है, तो हमने 4 वस्तुएँ या 4 फिंगर ले लिया आपने। अब पहले स्टार्टिंग करिए काउंटिंग 1 से, 1 2 3 4। आपने क्या किया, बच्चों को बोल दिया, उसने बच्चे ने यहाँ पर 4 लिख दिया। 4 के बाद 5 6 7 8। अब बच्चे को मेंटल की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसे लगेगा कि देखने से अच्छा यहाँ गिन के कर लो, और गारंटी के साथ पहाड़ा गलत भी नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, बच्चों को अक्षरों अंकों की 100 तक गिनती अगर वो रफली पढ़ना जानते हैं तो उनकी पहचान करना भी सीख जाएंगे। 8 के बाद 9 10 11 12, तो ये आपका 12 आ गया। अब बच्चे जब अपने आप लिखेंगे, डिस्कस करते जाएंगे, तो उनकी जोड़ने की क्षमता बढ़ेगी। आप ऐसे बीच बीच में उनको टोक के बता भी सकते हैं कि हमें जोड़ना भी है तो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे हमें 12 में 4 जोड़ना है तो हम 12 के बाद 13 14 15 16, इस तरह से भी। तो यहाँ से एक ही प्रोसीजर में कई प्रतिभाएँ, कई बच्चों की प्रतिभाएँ सामने आ सकती हैं, उनको कई तरह के टैलेंट दिए जा सकते हैं। तो 12 के बाद 13 14 15 16, और अगर बच्चा आपका गारंटी के साथ गिनती सही से जानता है तो पहाड़ा गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये आपका 28 आ गया। 29 30 31 32, ये आपका 32 हो गया। अब 32 के बाद 33 34 35 36 36 आ गया। ध्यान क्या करना है, बच्चों को एक बार अभ्यास करा दीजिए कि एक वस्तु को चिन्हित कर लो, वहीं पर आकर आपकी काउंटिंग खत्म होनी है, और जहां काउंटिंग खत्म होती उसी नंबर को आप यहां पर लिख दीजिए। और जैसे आपका यहां पर 40 आ गया, यानी कि आपका 4 का पहाड़ा भी पूरा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत आसान लगी होगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, थोड़ा मैं इससे एक बड़ा पहाड़ा भी आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप 7 सेब देख रहे हैं, और 7 सेबों को मतलब आपको 7 का पहाड़ा लिखना है। अगर आपको 10 का पहाड़ा लिखना होता है तो आप 10 सेब भी ले सकते हैं, या कोई और आवश्यक वस्तु ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। इसका एक और भी लाभ है, अगर आपके बच्चे जैसे गिनतियों का क्रम नहीं लिखना जानते हैं, 24 में 4 2 लिखना है या 2 4 लिखना है, तो ये चीज़ भी उनकी सुधर जाएगी, ये गलती भी उनकी या दोष भी उनका दूर हो जाएगा। जैसे उनको पता है 14 की लाइन में अब आपके बाद 20 की लाइन शुरू होगी, 1 की लाइन आ रही है, अब 2 की लाइन स्टार्ट होगी। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21, अब आपको 21 लिखना है। तो समझ जाएंगे 21 में और 12 में कितना अंतर है। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 2 के साथ में 8 लिखना है, तो ये आपका 28 हो गया। अब 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 35 लिखना है, आपने बता दिया, 35 लिख गया आपका। अब 35 के बाद 36 37 38 39 40 41 42, यानी 3 के बाद 4 की लाइन शुरू होगी, तो ये आपका हो गया 42। 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 49, तो ये आपका आ गया 49। 49 के बाद 50 51 52 53 54 55 56। क्लास में अगर आप इन चीज़ों को सिखा रहे हैं तो बच्चों को बीच बीच में कमेंट करते जाइएगा, जोड़ने वाला 56 हो गया। 56 के बाद 57 58 59 60 61 62 63, जैसे 56 में 7 जोड़ना है तो कितने आएंगे, 63, ये जोड़ की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, 63 हो गया आपका। इसके बाद आपका जो है अंत में क्या आएगा, 64 65 66 67 68 69 70। एक बार या दो बार आप उनको अभ्यास करा देंगे तो वो फिर आसानी से बिना कुछ बताए
आप उनको बोल दीजिएगा पाढ़ा लिखना है, तो वो एकदम उसमें लिखने में लग जाएंगे और आपके पूरे पाढ़े करते हुए, यानी कि कॉपी के ऊपर वाले जो आपका वैकेंट एरिया रहता है उस एरिया में आप चिन्ह कोई भी चिन्ह बना के दे दीजिए उनको, वो चित्र बनाते जाएंगे साथ में गिनती पाढ़ा भी लिखते जाएंगे। इससे आपको जोड़ की प्रैक्टिस होगी, पाढ़े की भी प्रैक्टिस होगी, गिनती भी आपके बच्चों की मजबूत हो जाएंगी और बच्चों को पाढ़े से जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।